नमस्कार दोस्तों, मैं मोरेश कुहिकर आप सभी का एक बार फिर मेरे इस खास यूट्यूब चैनल एसएस पॉइंट में तहे दिल से स्वागत करता हूँ, जहाँ पर मिलती है आपको रियल एस्टेट से जुड़ी हर यूजफुल और हेल्पफुल टिप्स। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे संयुक्त होम लोन यानी ज्वाइंट होम लोन के बारे में। संयुक्त होम लोन के लिए कौन कौन आवेदन कर सकता है, संयुक्त होम लोन क्या होता है, संयुक्त होम लोन के क्या क्या फायदे हैं, इसे ही कई सारे तमाम सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में हम जानने वाले। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में अंत तक जरूर बनी रहे कि आप भी अपने सपनों का आशियाना, अपने घर के सपनों को पूरा करने के लिए संयुक्त होम लोन के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर सके। तो दोस्तों, ज्यादा समय ना गवाते शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं संयुक्त होम लोन यानी होता क्या है। तो संयुक्त होम लोन यानी एक ही प्रॉपर्टी पे दो या दो से अधिक व्यक्ति द्वारा संयुक्त रूप से लिए जाने वाले होम लोन को संयुक्त होम लोन कहा जाता है। मतलब एक प्रॉपर्टी पर दो या दो से अधिक व्यक्ति के नाम पर लोन लेना मतलब ही संयुक्त होम लोन लेना होता है। अधिकतर मामलों में इस तरह के लोन को हासिल करने के लिए प्रॉपर्टी का मालिकाना हक संयुक्त रूप से दो या दो व्यक्ति से ज़्यादा लोगों के नाम से हो सकती है। कई मामलों में एक अकेला व्यक्ति भी प्रॉपर्टी का मालिकाना हक रखने के बावजूद इस तरह के लोन हासिल करने के लिए अपने साथ एक सह आवेदक को शामिल करता है ताकि उसे होम लोन की राशि ज़्यादा मिल सके। तो आइए अब जानते हैं संयुक्त होम लोन के लिए सह आवेदक कौन कौन हो सकते हैं। इसे साधारण तौर पर समझने के लिए मान लेते कि आप संयुक्त होम लोन लेना चाहते हैं तो आप अपने साथ किसे किसे सह आवेदक के रूप में शामिल कर सकते हैं। संयुक्त होम लोन लेने के लिए आप अपने साथ सह आवेदक के रूप में अपनी पत्नी, अपनी माता, अपने पिता, अपने बेटे या अपनी बेटी को भी शामिल कर सकते हैं, मगर आपकी बेटी का अविवाहित होना आवश्यक है। आप इन्हें अपने साथ संयुक्त होम लोन लेने के लिए सह आवेदक के रूप में दोनों स्थिति यानी आपके साथ संयुक्त रूप से प्रॉपर्टी का मालिकाना हक होने या ना होने की स्थिति में शामिल कर सकते हैं। आप अपने रिश्तेदार, भाई या मित्र को भी सह आवेदक के रूप में शामिल कर सकते हैं, मगर इनका प्रॉपर्टी में मालिकाना हक यानी स्वामित्व होना आवश्यक है। तो आइए दोस्तों, अब जानते हैं संयुक्त होम लोन लेने के फायदों के बारे में। तो सबसे पहले फायदे की यदि मैं बात करूँ तो बैंक द्वारा लोन स्वीकृति की संभावना बढ़ जाती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप होम लोन लेना चाहते हैं तो आप अपने सह आवेदक के साथ में यदि होम लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी अप्लीकेशन को जल्दी स्वीकृत किया जा सकता है, आपको लोन अप्रूवल जल्दी मिल सकता है। इसके पीछे सबसे बड़ा यदि कोई कारण है तो आप और आपके साथी दोनों की एक सालाना इनकम जो होती है उसे एक साथ जोड़ दिया जाता है। मतलब आपकी जो सालाना इनकम है ज़्यादा आके जाती है, साथ ही साथ आपकी लोन चुकाने की जो क्षमता है इसे भी ज़्यादा आका जाता है। इस वजह से कोई भी बैंक या फाइनेंस कंपनी आपको संयुक्त होम लोन देने के लिए जल्दी अप्रूवल दे सकती है, जल्दी आपकी फाइल को स्वीकृत कर सकती है। तो आइए दोस्तों, अब जानते हैं संयुक्त होम लोन लेने के फायदा नंबर दो के बारे में। तो फायदा नंबर दो ये है कि आपको होम लोन के रूप में ज़्यादा राशि मिलने में मदद मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप होम लोन लेना चाहते हैं और संयुक्त होम लोन लेने के लिए आप अपने सह आवेदक के साथ में अगर होम लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो कोई भी बैंक या फाइनेंस कंपनी आपको ज़्यादा अमाउंट का होम लोन दे सकती है। इसे साधारण तौर पर समझने के लिए मान लेते हैं कि आप कोई फ्लैट खरीदना चाहते हैं या फिर आपके पास आपके नाम से पहले से ही कोई ओपन प्लॉट है, जिस ओपन प्लॉट के ऊपर में आप मकान बनवाकर कंस्ट्रक्ट करवाकर वहां पे आप रहना चाहते हो, तो ऐसे में आपको 30 लाख रुपए की आवश्यकता है और आपके पास में 10 लाख रुपए और 20 लाख रुपए आप बैंक से होम लोन के रूप में लेना चाहते हैं और आपकी होने वाली सालाना इनकम भी अच्छी खासी है, मगर आपने पहले से ही कोई कार लोन ले चुके हैं या फिर किसी तरह का कोई लोन ले चुका है जिसकी एक बड़ी अमाउंट किस्त के रूप में आपके अकाउंट से कटती है, तो ऐसे में कोई भी बैंक या फाइनेंस कंपनी आपको नए लोन के रूप में अतिरिक्त किस्त भरने के लिए असमर्थ पाती है या फिर असमर्थ समझती है, तो ऐसे में कोई भी बैंक या फाइनेंस कंपनी आपको साफ तौर पर होम लोन या किसी भी तरह का कोई लोन देने के लिए साफ तौर पर मना कर सकती है या फिर कोई भी बैंक या फाइनेंस कंपनी आपको होम लोन के रूप में कम राशि देने के लिए तैयार होगी। ऐसे में अगर आप अपने साथी को सह आवेदन के रूप में संयुक्त होम लोन में अगर शामिल कर देते तो कोई भी बैंक या फाइनेंस कंपनी आप दोनों साथियों की आय को यानी सालाना होने वाली इनकम को एक साथ जोड़ देगी
जिस वजह से आपकी सालाना इनकम ज्यादा आकी जाएगी और आपको लोन चुकाने के लिए ज्यादा समर्थ यानी ज्यादा एबल समझेंगे और आपको एक अच्छी लोन राशि, एक बड़ी अमाउंट की लोन राशि आपको हासिल हो सकती है, आपको अप्रूवल मिल सकता है। फायदा नंबर तीन की यदि मैं बात करूँ तो दोस्तों यहाँ पर आपको टैक्स बेनिफिट भी मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने संयुक्त होम लोन लिया है तो संयुक्त होम लोन के लिए आपको यहाँ पर 1.5 यानी 1.5 लाख रुपए तक का सालाना टैक्स बेनिफिट मिल जाता है। और इतना ही नहीं दोस्तों, ये टैक्स बेनिफिट जो है दोनों सह आवेदक दोनों के लिए लागू होता है, यानी दोनों आवेदक यहाँ पर टैक्स बेनिफिट का आनंद उठा सकते हैं। और दोस्तों इसी से रिलेटेड, टैक्स बेनिफिट से रिलेटेड मैं आपको और एक वीडियो बनाकर दूंगा जिसमें आपको टोटल डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं आपको शेयर करूँगा, जिस वजह से संयुक्त होम लोन में मिलने वाले टैक्स बेनिफिट के बारे में आपको पूरी जानकारी हासिल हो सकेगी। फायदा नंबर चार की यदि मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको स्टैम्प ड्यूटी में कटौती मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने संयुक्त होम लोन लिया है और उस संयुक्त होम लोन लेने में आपका जो सह आवेदक यानी आपका जो साथी है वो कोई महिला है और उस महिला का उस प्रॉपर्टी में अगर स्वामित्व यानी उसका मालिकाना हक है तो आपको कुछ राज्यों में 1% से लेकर 2% तक का स्टैम्प ड्यूटी में बचत हो सकती है। यानी संयुक्त होम लोन लेने से आपको 1% से लेकर 2% तक का स्टैम्प ड्यूटी में बेनिफिट मिल सकता है, कटौती मिल सकती है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज की वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए काफ़ी यूजफुल और हेल्पफुल जरूर साबित होगी। दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो अगर पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर देना। अगर मेरे चैनल पर आप बिल्कुल नए हैं और पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर उसकी बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि रियल एस्टेट से जुड़ी हर यूजफुल और हेल्पफुल जानकारी आप तक बिना रुकावट तुरंत पहुँचे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको मेरी ढेर सारी शुभकामनाएँ और नमस्कार।